नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काले नमक के बारे में। जानेंगे काले नमक का यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नमक हमारे आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना नमक के हमारे भोजन में कोई रुचि नहीं है। नमक कई सारे प्रकार के हैं। हमें कौन सा नमक यूज करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा नमक सबसे बेस्ट है? अगर हम सबसे बेस्ट नमक की बात करें तो सेंधा नमक एक नंबर पे आता है। उसके बाद काला नमक, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, यह आता है दो नंबर पे। उसके बाद तीन नंबर पे आता है जो एक क्रिस्टल नमक, जो सफ़ेद सा मोटा नमक किलो के हिसाब से किराना स्टोर पे लगभग मिलता है, वो वाला नमक। और सबसे खराब कैटेगरी में आता है आयोडीन युक्त नमक, जो सफ़ेद पाउडर वाला पैकेट का जो आप नमक यूज़ करते हैं, आयोडीन वाला नमक, वो सबसे खराब नमक माना जाता है। बहुत सारी कंट्रियों में आयोडीन नमक बैन है और इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में ये बिकता है। ये नमक पता है सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज में देता है? आयोडीन युक्त नमक का ज्यादा सेवन करने से नपुंसकता आती है। अब पता कीजिए, गूगल करके देखिए, बहुत सारी कंट्री में ये बैन है, इंडिया में सबसे ज्यादा ये खाया जाता है। इसी नमक से ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ता है, और खास करके अगर आप सब्जी बनने के बाद किसी चीज़ के ऊपर आयोडीन वाला नमक ऊपर से डाल के खाते तो आपके हृदय के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ब्लड प्रेशर में बहुत ही हानिकारक होता है। तो चलिए जानते हैं, हम काले नमक के ऊपर आ जाते हैं। काला नमक सेंधा के बाद खाने के लिए उत्तम बेस्ट नमक माना जाता है। यह हृदय को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अगर हम लाभ की बात करें, ब्लड प्रेशर वालों को भी कहा जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक बंद करके आप सेंधा नमक या काला नमक खाना शुरू कर लीजिए। जिनको भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है, वे लोग एक उपाय करके देखिए। अजवाइन के साथ काला नमक दिन में सिर्फ एक बार लंच के बाद खा के देखिए, गैस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वेट बहुत ज़्यादा हुआ है, जो वेट घटाना चाहते हैं वे भी अगर काला नमक खाते हैं तो उनको भी फायदा मिलता है। जो लोग शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा काला नमक पानी में मिक्स करके पी लीजिए, शरीर डिटॉक्स होने में भी ये फायदा करेगा। खास करके पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए उदर रोगों में काला नमक बहुत ही इफेक्टिव होता है। खाने के साथ खाइए। काले नमक को आप रायते में मिलाकर, नींबू के साथ, नींबू पानी बनाकर, सैलेड के ऊपर डालकर, सब्जी में ऊपर से डालकर, किसी भी फॉर्म में आप काले नमक को खा सकते हैं, तो पेट को बड़ा फायदा पहुंचाता है। पेट में मरोड़ हो, पेट में दर्द हो, बहुत लाभदायक होता है। खाया हुआ ठीक से पचता नहीं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती। जिनको भी एसिडिटी रहती है ना, वो आयोडीन नमक आज ही बंद कर दीजिए और सेंधा नमक या काला नमक यूज करना शुरू कीजिए। काला नमक एसिडिटी में बहुत ही लाभदायक होता है। जिनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहता है, वह भी अगर काला नमक यूज करते हैं तो ये कब्ज को भी दूर करता है। जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मन में विचार आते हैं, थोड़ा सा काला नमक हाथ के ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि दाल के बराबर से थोड़ा ज़्यादा, मूंगफली का दाना जितना होता है उससे हल्का सा कम है, उस लेवल का छोटा दाना होता है, उस लेवल का नमक आप हाथ के ऊपर लेके उसको चाटिए। शाम के समय सोने से पहले अगर उसको चाटते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। तो ये तो थे बहुत सारे काले नमक के फायदे, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है। ज़्यादा यूज करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर की पहले से समस्या है, वे तो बिल्कुल 3-4 ग्राम की मात्रा में ही यूज कीजिए।
ज्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि अति हमेशा नुकसान ही देगा। इसके अलावा जिनको किडनी से संबंधित समस्या है, किडनी में स्टोन है, वह लोग भी काले नमक का यूज बहुत कम कीजिए या ना कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी काले नमक के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।